फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं क्लास थर्ड का लेसन स्पीक और पास। तो जैसे कि हमें सबक के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, बच्चों की जो स्पीकिंग स्पोकन कैपेसिटी है उसको बिल्डअप करना है। लेकिन किस तरह से कि अगर हम बच्चों को कोई वर्ड दें या फिर उनको हम कोई कैटेगरी दें तो बच्चे उसको देखते हुए झट से क्विकली रिस्पॉन्ड करें, और अगर उन्हें किसी चीज का आंसर नहीं आ रहा है या फिर वो किसी वर्ड को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं तो उसे किस तरह से अपने फ्रेंड को पास करना है, ये भी हमें यहाँ पर उन्हें सिखाएंगे, ताकि ना सिर्फ बच्चों की यहाँ पर जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो बिल्डअप हो, बल्कि उनकी जो सोशल कैपेसिटी है, जो उनकी सोशल एंगेजमेंट है, वो भी बिल्डअप हो, कि बच्चे एक टीम वर्क में किस तरह से काम किया जाता है इस बात को समझे। साथ ही साथ बच्चों में ये कॉन्फिडेंस भी आए कि यस आई कैन स्पोक नाउ। सो ये सारी चीजों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमें बच्चों को समझाना है कि किस तरह से वो दिए हुए वर्ड को दूसरे वर्ड से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने उन्हें एप्पल कहा, तो वो एप्पल कैसे, जैसे वो सोचे कि एप्पल रेड है, जूसी है, स्वीट है या कोई फ्रूट है, इस तरह का कोई भी रिलेटेड वर्ड उसे बता सके। हमें यहाँ पर बच्चों की वोकैबुलरी भी बढ़ानी है, जैसे कि नए वर्ड्स मीनिंग्स जो भी आए हुए हैं लेसन में, हम उन्हें वो भी यहाँ पर समझाएंगे, ताकि ना सिर्फ उनकी लैंग्वेज लिटरेसी यानी जो सिर्फ जुबान की तरक्की है वो हो, बल्कि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनकी जहनी तरक्की हो, उनकी लॉजिकल थिंकिंग बिल्डअप हो। बहरहाल इस तरह से उनकी जो क्या ओवरऑल थिंकिंग है, यहाँ पर हमें जो ओवरऑल उनकी बिल्डअप है उसका यहाँ पर ख्याल रखना है, जैसे कि NAP 2020 कहता है। तो हम ये बच्चों को जो सबक पढ़ाएंगे वो एक डिस्कशन बेस्ड पढ़ाएंगे, कि जिस तरह डिस्कस करते हैं क्लास में वैसे, और जिस तरह खेल खेल में हम ये बच्चों को सबक किस तरह पढ़ाते हैं ये हम देखेंगे आगे के पूरे लेसन में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सबक स्पीक और पास क्लास थर्ड। शुक्रिया।